सर क्या नाम है आपका? माय नेम इज कैहान। अच्छा, ये जो आपकी जिम है, किस जिम में आप मतलब ट्रेनिंग जिम फिजिक फिटनेस जिम इसका नाम है। देते हैं? अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आप कब से फिटनेस की लाइन में हैं, कितना टाइम हो गया मतलब आपको जिम करते हुए? मैं 6-7 साल हो गया मैं ट्रेनिंग देता हूँ। 6-7 साल से आप मतलब फिटनेस की ही लाइन जी में हैं। जी जी अच्छा सर, अगर मैं बात करूं कि जैसे किसी को वेट गेन करना हो या लूज करना हो, तो इसके लिए जैसे बहुत लोग होते हैं कि एक उनके माइंड सेट होता है कि हम न्यू ईयर से ये रिजोल्यूशन लेंगे कि हमें इतने टाइम में एक, या तो पतले लोगों को मोटा होना होता है, मोटों को पतला, तो कितना टाइम लगेगा एक अच्छी बॉडी मतलब पोस्चर बनाने में? जिस बॉडी में किसी किसी का नेचुरल बॉडी करता है, पेट थोड़ा सा वेट है 80 किलो 90 वेट कम करते हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वेट कम करने से 6-5 महीने में टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें धीरे धीरे से डाइटिंग के हिसाब से डाइट बता देंगे, बॉडी वेट के हिसाब से डाइट करेगा और वर्कआउट करेगा, वेट कम हो जाएगा। इसलिए अच्छा, अगर मैं बात करूं कि आपके हिसाब से परफेक्ट बॉडी क्या परफेक्ट बॉडी, जैसे परफेक्ट बॉडी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ऐसे तो मैं बता दूँ, परफेक्ट अगर 2 साल 3 साल पूरा फिट रहेगा, जो जैसे मेल है जेंट्स के भी वैसा, कि और बाकी और जो बिना कंपटीशन करते जो अलग अलग चीज़ों में स्टेज में चढ़ जाएगा प्रोफेशनल। नहीं, आपके हिसाब से एक परफेक्ट बॉडी, जैसे कि इतना वेट होना चाहिए इतनी हाइट के अकॉर्डिंग, तो आपके हिसाब से एक परफेक्ट बॉडी क्या है कि हाँ, अगर इस मेजरमेंट में इंसान की बॉडी है तो वो फिट? उसमें बॉडी में कम से कम 60 किलो, अगर अगर 80 किलो वेट में बॉडी में अगर कम फिट पूरा फिट करना पड़ेगा, कम से कम 3 महीने 4 महीने टाइम लगेगा। हम मेरे हिसाब से, मैं खुद ही गया वो जो स्ट्रेंथ में इतना टाइम लगेगा मेरे पास, ऐसे अच्छा, करता हूँ। डाइट की बात करूं अगर मैं, तो क्या डाइट फॉलो करनी पड़ेगी वेट गेन के लिए? वेट गेन के लिए डाइट के लिए हम तो नॉनवेज भी है किसी किसी मतलब के, वे ज्यादा ऑनली हमें वेज। प्रोटीन वाली चीजें लेनी पड़ेंगी हाँ, ये वेट गेन के बनाना लिए, शेक है, ये आलू, ये चीज़ों में कैफ ज़्यादा जिसमें लोग करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हाँ, कार्बोहाइड्रेट वो है। चीजों का जो हमें डाइट में शामिल करना हाँ चाहिए। जी हाँ जी, अच्छा, और अगर मैं लूज की बात करूँ, वेट लूज की, तो वेट लूज के टाइम पे हमें क्या क्या चीजों को डाइट में ऐड करना वेट चाहिए? लॉस के लिए कम से सलाद यूज़ करेगा, मिक्स सलाद यूज़ करेगा, मतलब वेज मिक्स। वेजीज पे हाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए जी वेट लूज के हाँ टाइम जी, पे। फिर और व्हाइट एग यूज़ करेगा और से अच्छा, बाकी और अगर मैं मिक्स। बात करूँ कि पतले हो या मोटे होने के लिए, परफेक्ट बॉडी के लिए डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज कितना काम करती है? एक्सरसाइज कम से कम 70% डाइटिंग है, 30% तो एक्सरसाइज है। अच्छा, हाँ 30% जी एक्सरसाइज एक इंसान को एक परफेक्ट बॉडी जैसे वो चाहता है वो पाने के लिए 30% 30% हेल्प करती एक्सरसाइज है। जी। अच्छा, तो जैसे कि और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें वेट लॉस और गेन के टाइम पे, कि क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए? वो ये कि किसी किसी का जब हमारा जिम में बच्चों को बोलता हूँ कि ये बाहर पे खाना मत खा लो, ज़्यादा फोकस मत करो, घर पे फोकस करो, जो खाना डाइट बनाते हैं उसी के, जो मैं बताता हूँ उसी के फॉलो करो। वो जब बाहर जाता है बर्गर ये चीज़ों खाता है, उल्टा सीधा चीज़ों में उन्हें जल्दी फेंक पड़ता है, पर बॉडी में ख़राब हो जाएगा, अंदर भी डाइजेस्टिंग ख़राब हो जाएगा, लीवर की चीज़ों में, इसलिए। अगर पूरा प्रॉपर एक वो बोले तो अपनी कैलोरीज काउंट करनी चाहिए, हाँ, कैलोरीज काउंट कितनी करना, कैलोरीज हमें कैलोरीज देनी है। कैलोरीज। आकांक्षा दीक्षित, लोकल 18, दिल्ली।